नारे सलवात। नाज़रीन शियाज़ादारी, आज की ये मजलिस जनाब मौलाना अबरार हुसैन साहब मरहूम, जनाब मौलाना मोहम्मद अहमद साहब मरहूम, इमाम बांदी मरहूमा, जाफरी बेगम मरहूमा के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है। इस मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद आज़िम बाकरी साहब क़िबला जौरासी। लिहाजा आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह कुल वल्लाह की तिलावत फरमा कर मौलाना अबरार हुसैन साहब मरहूम, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब मरहूम, इमाम बांदी मरहूमा, जाफरी बेगम मरहूमा की रूह को ईसाल फरमा दें। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क्योंकि ये आज की मजलिस जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है, इसमें दो माओं का भी नाम है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस माँ के तस्करे से करना चाहता हूँ जो ना कि सिर्फ़ अपने बच्चों की माँ है बल्कि अपने पदर बुजुर्गवार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है। चार मिसरे पेशे खिदमत है, समाअत फरमाएं कि अगर दुनिया की माओं का कभी भी तस्करा करना, अगर दुनिया की माओं का कभी भी तस्करा करना, मेरी माँ ने सिखाया है कि ज़िक्र फ़ातिमा करना, मेरी माँ ने सिखाया है कि ज़िक्र फ़ातिमा करना, और अगर तकदीर से मिल जाए मौका माँ की खिदमत का, अगर तकदीर से मिल जाए मौका माँ की खिदमत का, तो उस खिदमत को नेमत जानकर शुक्र खुदा करना, तो उस खिदमत को नेमत जानकर शुक्र खुदा करना। जनाब दबीर मरहूम का बहुत मशहूर मारूफ़ मिसरा है कि ज़ेरे कदम वालिदा फिरदौस से बरी है। एक मतला और एक शेर एक तज़मीन, तीन शेर पर मुश्तमिल एक कलाम आप हज़रात की खिदमत में पेशे खिदमत है, समाअत फरमा लें। एक सलवात भेज दें आप हज़रात। कि इस बात पर 100% हम सबको यकीन है, इस बात पे 100% हम सबको यकीन है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। तो क्या याद नहीं रहलते जहरा का वो मंजर, क्या याद नहीं रहलते जहरा का वो मंजर, लिपटी हुई कदमों से इमामत की जबी है। क्या याद नहीं रहलते जहरा का वो मंजर, लिपटी हुई कदमों से इमामत की जबी है। तो शब्बीर का कदमों से लिपटना है बताता, जेरे कदम वालिदा फिरदौस से बरी है, जेरे कदम वालिदा फिरदौस से बरी है। एक सलाम के चंद अशार पेश खिदमत है, समाअत फरमा लें। कि मातम शह जमा का सदियों से हो रहा है, मातम शह जमा का जमन का सदियों से हो रहा है, होता रहेगा यूं ही होगा न कम हुआ है, होता रहेगा यूं ही होगा न कम हुआ है, और दामन में है समेटे हर एक कौम मिल्लत। दूसरा भी सब बतौर ख़ास नस करना समाअत फरमाए कि दामन में है समेटे हर एक कौम मिल्लत, कितनी मुफीद देखो शब्बीर की अज़ा है, कितनी मुफीद देखो शब्बीर की अज़ा है। और पूछो न मरतबा तुम अंसार शाहिदी का, पूछो न मरतबा तुम अंसार शाहिदी का, देखो वो हुर सखा की जन्नत में जा रहा है, देखो वो हुर सखा की जन्नत में जा रहा है। और हुर की खताएं बख्शी किस तरह शाहिदी ने, हुर की खताएं बख्शी किस तरह शाहिदी ने, ऐसा ही रहम वाला शब्बीर का खुदा है, ऐसा ही रहम वाला शब्बीर का खुदा है। और तीरे सितम गले पर खाकर बताए कोई असगर के माँ सिवा क्या बच्चा कोई हंसा है,
असगर के माँ सिवा क्या बच्चा कोई हंसा है, गूंजी सदाए हलमिन करबो बला के बन में, नरगे में जालिमों के फर्जंद फातिमा है। और है कौन जो कफन दे मजलूम करबला को, है कौन जो कफन दे मजलूम करबला को, जलती जमीन पे लाशा उरियां पड़ा हुआ है। तो जिस रास्ते पे हम हैं कायम वसीम बस वो, जिस रास्ते पे हम हैं कायम वसीम बस वो, करबो बला से होकर खुलद बनी गया है, करबो बला से होकर खुलद बनी गया है। मैं गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना आज़िम बाकरी साहब क़िबला की खिदमत में कि सरकार तशरीफ़ लाएँ। एक नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا ابرار حسین مرحوم، مولانا محمد احمد مرحوم، امام باندی مرحومہ اور جعفری بیگم مرحومہ کی روح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بہت ہی مشہور آیت ہے اور اکثر آپ حضرات اس آیت کو سماعت فرماتے ہیں۔ والدین سے احسان کا صرف اسی آیت میں حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ قرآن میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جہاں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا، لیکن قرآن کا جب آپ مشاہدہ کریں گے تو جہاں والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے اس سے پہلے کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو شرک نہ کرو اور پھر کہا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، کہیں کہا جاتا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور کی پرستش نہ کرو، پھر کہا جاتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی اس تاکید سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے خدا کو ایک ماننا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی پرستش کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اتنے اہم حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے کتنا زیادہ توقع رکھتا ہے کہ جہاں ایک طرف وہ ہماری عبادت کریں، ہمارے ذات کے بارے میں شرک کے مرتکب نہ ہوں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان اور نیکی سے کام لیں۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے،
اسی لیے کبھی شرک سے منع کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو، کبھی کہا جا رہا ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو اور پھر اسی کے ساتھ فوراً یہ کہا جا رہا ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ دیکھیں نیکی اس دنیا میں مقصد انسان کی خلقت کا یہی ہے کہ وہ نیکی کرے۔ اس دنیا میں ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں بدی کرنا ہے، ہمیں اس لیے نہیں یہاں بھیجا گیا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، برائی کرنا ہے، لیکن جتنی بھی نیکیاں ہیں یا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہم نیکی کریں گے وہ نیکی کچھ اور ہے، اور والدین کے ساتھ جو نیکی کریں گے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اسی لیے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے چار چیزوں کو چار جگہ پہ رکھا ہے، ان میں جہاں دوسری چیزیں ہیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ہمیں خداوند عالم سے قریب رہنا ہے، ہمیں خدا کا خاص بندہ بننا ہے، تو پھر ہم خدا کی معصیت نہ کریں۔ اگر ہم معصیت کریں گے تو ہم خدا کے خاص بندے نہیں بن سکتے ہیں، خدا کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہیں جب زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ بہترین زندگی کون سی ہے، بہترین زندگی کون سی ہے، تو وہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ جس میں والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ یعنی سب سے اچھی زندگی کون سی ہے، بہترین زندگی کون سی ہے؟ عیش، وہ عربی میں زندگی کے بارے میں کہا لذت عیش کس چیز میں، یعنی زندگی کا مزہ کس چیز میں ہے، تو ارشاد ہوتا ہے زندگی کا مزہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں۔ دیکھیے ہم لوگ زندگی میں لذت کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہ جو زندگی کی لذتیں ہیں اس میں سب کچھ ہے ہماری زندگی میں، لیکن والدین کے ساتھ نیکی نہیں ہے۔ یعنی عام طور سے اگر آپ دیکھیے تو کچھ وقتی طور پہ لذت ہے، کچھ چیزیں کھا لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں پی لی جاتی ہیں، اور اسی سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے وقتی طور پر ہماری زندگی، یا اردو میں اگر کہیں گے تو عیش کا کچھ اور معنی ہے کہ بڑے عیش سے گزر رہی ہے۔ جو مختلف نعمتیں ہیں خداوند عالم کی، اگرچہ نعمتوں کا اگر ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ تو بہترین زندگی ہے، لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں ان کا مس یوز ہوتا ہے۔ لہذا زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کے آسائش اور آرام دوسری چیزوں میں ہے، لیکن ہمارے آخری نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہو، اگر تمہیں زندگی لذت عیش زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہو، تو یہ زندگی کا مزہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے۔ جس گھر میں والدین کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہو وہاں زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جہاں بدی کی جاتی ہے وہاں زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اور پھر یہ جو نیکی ہے اس کے بہت سے اثرات ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نیکی کریں گے تو اس کے بدلے میں کچھ ہے نہیں، کیونکہ یہاں پر سیدھے حکم دیا گیا ہے وہ بالوالدین احسانہ، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ کریں تو تم کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے، اور اکثر ہوتا ہے، تادیبی کارروائی کی ہے، دو چار تھپڑ بھی لگا دیے ہیں، تب بھی آپ کو پلٹ کے نیکی کرنا ہے۔ اور اسی آیت کا جو سلسلہ ہے اور آگے آپ جائیں گے، جو دو تین آیتیں ہیں ان میں پھر آگے جا کر یہ بھی ہے کہ قولن کریمہ، کہ اچھی بات کرنا ہے، سلیقے سے، ڈھنگ سے گفتگو کرنا ہے، بہترین انداز میں گفتگو کرنا ہے، یعنی احسان کرنا ہے، اور انداز گفتگو وہ بھی اچھا ہونا ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ جیسے اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب نے ہمیں فلاں موقع پہ دعوت دی تھی، تو اب ہمارے یہاں پروگرام ہوگا تو ہم ان کو بلائیں گے، فلاں صاحب نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا تھا تو اب ہمیں جب موقع ملے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، والدین کے ساتھ جو احسان کی بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی تقابل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا، جبکہ یہ فطری چیز ہے کہ وہ لوگ نیکی ہی کرتے ہیں۔ اور خداوند عالم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اولاد کو، تو ظاہر سے بات ہے خدا ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے،
उसे बेहतर पता है कि किसे समझाने की ज़रूरत है और किसे इस मामले में नहीं समझाने की ज़रूरत है। वालिदैन से नहीं भी कहेंगे तब भी ये अपने बच्चों के साथ नेकी करेंगे, लेकिन औलाद के साथ अक्सर होता है कि ज़रा सा बड़े क्या होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बड़ा होना सिर्फ सिन में बुजुर्गी नहीं है, बल्कि कभी कभी होता है कि वालिदैन हो सकता है किसी ख़ास मकाम तक न पहुँचे हों, लेकिन हमारी तालीम बहरहाल जो कुछ भी है उन्होंने कोशिश की और उसके बाद हम एक मकाम और मर्तबे तक पहुँच गए। जब इंसान किसी मकाम और मर्तबे तक पहुँच जाता है, यानी अगर मिसाल के तौर पर कि हमारे वालिद जो हैं वो सिर्फ दो ही चार क्लास तक पढ़े थे और हम बहुत आगे इंजीनियर और डॉक्टर बन गए, तो फिर हमारे अंदर एहसास बरतरी पैदा हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं हम तो कुछ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास माल और दौलत हो दुनिया की, तो हम उस माल और दौलत में उस तरह से वालिदैन का ख्याल नहीं रखते हैं जिस तरह से रखना चाहिए, यानी हम उसमें से जो उनका हक है वो सही से अदा नहीं करते हैं। वाकयात बहुत से हैं। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ज़ईफ़ शख्स ने शिकायत की या बताया, एक वाक़या है उसका ये हिस्सा है कि उन्होंने कहा जब मैं कवि था, जब मेरे पास पैसा था, जब मेरे पास दौलत थी, तब मैंने अपनी इस दौलत से बहुत ज़्यादा मदद की अपने बच्चों की और अपने बच्चे की, ख़ास करके जिसके बारे में बात हो रही थी, कि जब मेरे पास दौलत थी, जब मैं कवि था, जब ताकत थी मेरे पास, तो मैंने अपने पैसे से बहुत मदद की अपने बच्चे की, और आज इसके पास दौलत है लेकिन ये अपनी दौलत से हमारी मदद नहीं करता है। आज जबकि मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं पीर हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसके पास दौलत है लेकिन ये अपनी दौलत से हमारी मदद नहीं करता है। रसूल खुदा का जुमला है, आपने इरशाद फरमाया कि इस वाक़े को सुन के हर ज़र्रा रोएगा, यानी चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो रेगिस्तान के ज़र्रे हो, जो भी इस वाक़े को सुनेगा वो रोएगा। और फिर उस आपने उस लड़के की तरफ रुख करके कहा कि तुम और तुम्हारा माल जो कुछ भी है, तुम आज जो कुछ भी हो और या तुम्हारे पास जो भी दौलत है, वो सब के सब तुम्हारे इस बाप ही की वजह से है, अगर ये ना होते तो तुम ना होते, और अगर तुम नहीं होते तो फिर ये दौलत और इसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती। यानी जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है, हुजूर ने इरशाद फरमाया आखिरी नबी ने कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा वजूद और तुम्हारी ये दौलत, ये तुम्हारे बाप की देन है, तो अगर उनकी देन है तो फिर तुम्हें उसमें उनका हिस्से का भी ख्याल रखना चाहिए, उस दौलत में ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी वजह से ये वजूद है उसका हक अदा किया जाए, जिसकी वजह से ये दौलत है उसका हक अदा किया जाए। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जबकि अक्सर ये होता है कि आज के दौर में जब हमारे पास अगर दौलत की फरावानी है, तो जो वसाइल ज़िंदगी हमारे पास हैं उसमें हम अपने जो वसाइल हैं उसमें तो हम बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो वालिदैन हैं, अब चाहे वो ज़ईफ़ ना भी हुए हों, जो भी जैसी भी उनकी उम्र हो, जो भी एज हो, हम उस एतबार से उनका ख्याल नहीं रखते हैं। यानी दुनिया की जो आसाइशें हैं उनमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो हो, अगर गाड़ी है तो हम कोशिश हमारी यही होगी कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो। आजकल ये रिवाज नहीं है कि हम पहले अपने वालिद के लिए गाड़ी लेकर दें फिर उसके बाद हम सोचें हमारे पास। हमें बाइक लेना है तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी बाइक अच्छी है। हमारी को हम अगर मोबाइल हमें लेना है तो हमें सबसे पहले फोकियत हमारी, जो हमारा समाज में जो चलन है यही होता है। हर चीज़ में हम लोग इस बात को अहमियत देते हैं पहले हम हैं फिर उसके बाद उनका ख्याल रखा जाता है। जबकि इसके बरक्स आप देखिए, ये कौन सा दौर है जिसमें हमारे पास पैसा है, उनके पास नहीं है और उन्हें ज़रूरत है और हम सही से उनका हक अदा नहीं कर रहे। और एक वक्त वो था कि जब उनके पास ताकत भी थी, पैसा भी था, सब कुछ था और हमारा वजूद कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त जब हमारी परवरिश हो रही थी तब उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर खाना अच्छा है तो पहले हम अच्छा खाएं और बच्चे को ख़राब खाना दें।
अगर हमारे पास जो है सवारी का इंतज़ाम हो सकता है तो हम अपने लिए अच्छा इंतज़ाम करें और बच्चा हमारा मुश्किलों में रहे। नहीं, जब उनके पास इख्तदार था, जब उनके पास दौलत थी, तो उन्होंने जो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन आज जब हमारे पास दौलत है तो फिर हम उसमें से अपने लिए बेहतरीन का इंतखाब करते हैं और उनके लिए या तो सही से उनका हक अदा नहीं करते हैं या वो चीज़ें ला कर देते हैं कि जिनकी हमें उस तरह से अहमियत और ज़रूरत हमारे लिए नहीं रह जाती। यानी वहाँ पर उनकी ज़रूरतें सानवी हैसियत रखती हैं, हमारी ज़रूरतें पहले आ जाती हैं। लेकिन जब उनका दौर था तो हमारी ज़रूरतें उनके लिए पहली थी और उनकी ज़रूरतें हमारे लिए सानवी हैसियत रखती थी। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसीलिए अक्सर होता है, बहुत से लोग, कभी कभी ये भी होता है, शिकवा सा हो जाता है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है, यानी उन्होंने हमको अच्छे से पढ़ाया नहीं। जबकि अक्सर ये होता है कि वो पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो लाभ इनसे आप पूछिए तो ये खुद अपने तजुर्बात बताएंगे कि बचपने में इन्होंने कौन कौन से कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं पढ़ाई के हवाले से। और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हम पढ़ना चाह रहे थे फिर भी उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया सही से, और फिर उसके बाद हम एक मकाम तक पहुंच गए, हमें एक अच्छी सर्विस मिल गई और हमारा एक अच्छा कारोबार है, एक अच्छा मकाम और मर्तबा है हमारे पास, फिर अगर हमारे जहन में ख्याल आ रहा है कि नहीं उन्होंने हमारे लिए क्या किया, तो अजीज़ों न जाने कितनी जगह ऐसी होती हैं कि जहां हमें पता नहीं होता है लेकिन उनके ज़रिए एक दुआया कलमा हमें न जाने कितनी मुश्किलात से नजात दिला देता है। न जाने कितनी तरक्की की मंजिलें हैं जो वो जो हम उनकी दुआओं के बल पर तय कर लेते हैं। क्योंकि जब माँ अपने बेटे के हक़ में दुआ करती है, जब वालिदैन अपने बच्चों के हक़ में दुआ करते हैं, तो ये दुआएं दिखावे की दुआएं नहीं होती हैं। लेकिन हमारे समाज में बहुत से लोग हमें दुआ देते हैं और इसका इजहार भी करते हैं, बताते भी हैं कि हाँ हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, लेकिन वो दुआएं जो होती हैं अक्सर, वरना बहुत से हो सकता है चाहने वाले भी हों कर देते हों दिल से दुआ, लेकिन अक्सर ये दुआएं ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ कहने के लिए है, यहाँ पर समाज को दिखाने के लिए है या सामने वाले को बताने और जताने के लिए दुआ की जाती है, लेकिन वालिदैन को किसी को दिखाना नहीं है, वालिदैन को किसी को बताना नहीं है कि हम अपने बच्चे के हक में दुआ कर रहे हैं, उन्हें किसी के सामने इस बात का इजहार नहीं करना है, बल्कि अक्सर वो बताते ही नहीं और हमें पता भी नहीं होता है कि कब और किस मकाम पर, कब आधी रात को उठकर उन्होंने हमारे लिए दुआ की है, कब भरी दोपहर में उठ के हम उन्होंने हमारे लिए दुआ की है, कब किसी के नींद से आँख खुली और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरा बच्चा तकलीफ़ में है और वहाँ उसने अपने बच्चे के लिए दुआ की। यही दुआएं हैं जो हमारे हक़ में कबूल होती हैं और इन्हीं दुआओं के नतीजे में हम तरक्की करते हैं और फिर पलट कर ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए किया क्या है। यही एक हर्फ दुआ काफ़ी है हमारी तरक्की के लिए। सलावत पढ़ते हैं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर नारे सलावत। और इस नेकी की अहमियत क्या है, इसकी पादाश ऐसा नहीं है कि हम नेकी करते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ हमें मिलती है वो जन्नत है, अगर हमने नेकी की है, सबसे पहली जो चीज़ है वो जन्नत है। किसी ने सवाल किया कि हमारे नबी से कि मेरे बाप बहुत ज़यीफ़ हैं, चल फिर नहीं सकते, हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, तो मैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें गोदी में उठाकर इधर उधर ले जाता हूँ, जहाँ काम है, जहाँ ज़रूरत है, जो भी है, उन्हें हम अपनी आगोश में उठाकर ले जाते हैं और इस तरह से उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम इसी तरह से इस अमल को अंजाम देते रहो, क्योंकि इस अमल की पादाश बहिश्त और जन्नत है, तुम्हें इस अमल के बदले में तुम्हें जन्नत मिलना है। यानी सबसे पहली चीज़ जो है वो यही जन्नत है। अगर हमने खिदमत की है, अगर हमने नेकी की है, तो
तो पहली चीज़ जो हमें मिलेगी वो जन्नत है। यहाँ दुनिया में सभी का मकसद ये है, वो जन्नत जाना चाहते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमें उनकी हम खिदमत कर रहे हैं और हमें जन्नत मिल रही है। असहाब का मजमा था, आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई लड़का अपने कोई फर्जंद अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है, यानी सिर्फ चेहरे पर निगाह करता है, आप घर में बैठे हुए हैं, आपके सामने माँ हैं या बाप हैं, आपने उनके चेहरे को देखा तो आपके सिर्फ निगाह जो आप कर रहे हैं सिर्फ मोहब्बत की निगाह है, मोहब्बत और शफ़क़त की निगाह है, आप निगाह कर रहे हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। तो आपने कहा कि आदमी जब एक निगाह डालता है मोहब्बत और शफ़क़त की अपने वालिदैन के चेहरे पर, तो इस एक निगाह के बदले में जो अज्र मिलता है वो एक हज मकबूल के बराबर है। देखिए हज मकबूल कहा गया, बहुत से लोग हैं हज कर आते हैं पता नहीं मकबूल है कि नहीं है। हम लोग मिसाल के तौर पर बहुत सी इबादतें करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज कबूल है कि नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत सी जगह हज हम करने जा रहे हैं तो हमारा हज में मकसद अल्लाह नहीं है, यहाँ अल्लाह से ज़्यादा हमारे लिए जो अल्लाह की मखलूक है वो हमारे हज का मकसद है। हमें इसको दिखाना है कि हम हाजी हैं, हमें इसको बताना है कि हम हज करने जा रहे हैं। कभी कभी होता है बाज़ जगह समाज में एक अपना स्टेटस ये है कि हम हज करके आए हैं, तो अगर मकसद ये है कि सामने वाले को दिखाना है तो फिर वो जाहिर सी बात है वो हज मकबूल नहीं है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई फर्जंद अपने वालिदैन के चेहरे पर एक मोहब्बत भरी निगाह डालता है तो इस एक निगाह के बदले में उसको जो सवाब मिलता है वो एक हज मकबूल का सवाब। आदमी अगर अपने घर में चाहे तो वालिदैन की तरफ सिर्फ निगाह करके न जाने कितने हज मकबूल का सवाब हासिल कर सकता है। हैरत हुई जो असहाब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या अगर वो कई बार देखे दिन में, जाहिर सी बात है एक बार निगाह नहीं, आप एक बार नहीं आप 10 बार देखिए, आप 100 बार मोहब्बत की निगाह डालिए, बैठे हुए हैं आप निगाह करते रहिए, बार बार देखते रहिए। तो असहाब ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर वो 100 बार दिन में देखे तो क्या तब भी हज मकबूल का सवाब मिलेगा हर बार देखने पर? तो रसूल खुदा ने फरमाया हाँ, जितनी बार वो निगाह करेगा उसे इतनी बार हज मकबूल का सवाब मिलेगा। उसका अज्र देने वाला खुदावंद आलम है जो कादिर है बेहतरीन जजा देने पर। देखिए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जजा कौन दे रहा है। कभी कभी होता है बाज़ रवायात में जब कसरत होती है सवाब की तो हमें थोड़ा सा हैरत सी होती है कि इस छोटे से, हम ज़ाहिरन हमारे लिए छोटा है, हम समझते हैं अरे ये मामूली सा अमल है इसके लिए इतनी ज़्यादा जजा कैसे। तो जहाँ जजा देना हो और जिसके देने से उसके पास जो माल है उसमें कमी हो जाए तो वो सोचेगा। अगर मिसाल के तौर पर हमें किसी को जजा देना है, कुछ इनाम देना है, अब अगर हमको 100 रुपये देना है तो फिर 200 रुपये देने में हम सोचेंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको 200 देंगे तो हमारे पास से 200 चला जाएगा। लिहाजा यहाँ पर सोचा जाता है, यहाँ देने में कमी की जाती है, लेकिन जिसके पास ये तसव्वुर और ये ख्याल ही नहीं है, जहाँ इस बात का इम्कान ही नहीं है कि वो जजा देगा तो उसके यहाँ उसके ख़जाने में कोई कमी हो जाएगी, तो जब कमी का इम्कान ही नहीं है तो फिर वो बेहतरीन अता करने वाला है। हमारा काम है अमल करते जाना, उसका काम है जजा देते जाना। सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा 100 बार भी अगर कोई निगाह कर रहा है, सिर्फ देखने की बात है, सिर्फ अगर मोहब्बत से वालिदैन की तरफ निगाह कर रहा है तो इस निगाह के बदले में उसे, हर निगाह के बदले में, हर बार देखने के बदले में 101 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। कभी कभी सवाल ये उठता है जहन में कि ठीक है जिनके वालिदैन हैं वो ये सब कर लेंगे, वो मोहब्बत भरी निगाह डाल लेंगे, वो खिदमत कर लेंगे, लेकिन जिसके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हैं वो क्या करेगा?
वो कैसे अपने वालिदैन के हक़ में नेकी करेगा, क्योंकि अब वालिदैन दुनिया में नहीं है, हम उन्हें उनकी खिदमत इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रवायतें हैं मासूमीन से जब सवाल किया गया कि जिसके वालिदैन नहीं वो कैसे नेकी करेगा, तो इरशाद होता है कि जो गुज़र गया है उसके लिए नेकी करने के बहुत से रास्ते हैं। जो गुज़र गया है आप उसके लिए नमाज़ें पढ़िए, जो गुज़र गया है आप उसके लिए दूसरे रोज़ा रखना है, दूसरी तमाम इबादतें हैं वो अंजाम दीजिए। जो गुज़र गया है उसका अगर कर्ज़ है तो आप कर्ज़ अदा कीजिए, आप कर्ज़ अदा करेंगे गोया आप उसके साथ एहसान कर रहे हैं, गोया आप उसके साथ नेकी कर रहे हैं। और आखिर में इरशाद होता है कि जो उसके चाहने वाले हैं उसके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। आप किसी के हक में नेकी करना चाहते हैं तो जो उसके चाहने वाले हैं, जिसे वो चाहता था, आप उनके साथ भी नेकी कीजिए। ये ना हो कि हम किसी के हक में, अपने वालिद के हक में नेकी करना चाहते हैं लेकिन अपने भाई के ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह से हम औलाद हैं उसी तरह से वो भी औलाद है। अब अगर हम उसके ऊपर जुल्म करेंगे जो उनका चाहने वाला है, जिसको वो चाहते हैं, तो यकीनन हम उनके हक़ में नेकी नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं। लिहाजा जहाँ दूसरी तरफ तमाम आमाल अंजाम देने हैं, वहीं जो उनके दोस्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, हमें उनके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। आम वालिदैन की बात होती है, आप देखिए अहादीस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वालिदैन के साथ नेकी करने का तो हुक्म दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और लोगों को वालिद का दर्जा दिया गया है। इससे पहले भी आपने सुना ही होगा, खुद मौलाए कायनात और हमारे आखिरी नबी के लिए हदीस है वो कि आपने कहा आना वाली अब वह हाजिल उम्मा, यानी हमें वो उम्मत के पिदर मानवी हैं। उसी तरह से जो उस्ताद है उसको भी मानवी बाप का दर्जा हासिल है। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी का कोई बाप है तो रिश्ते के एतबार से, निस्बत के एतबार से उसका वालिद है वो, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो उसका उस्ताद भी है तो फिर उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर कोई ऐसा है जैसा कि मरहूम के जो दो मरहूमीन हैं जिनका जिनके लिए साले सवाब की मजलिस की गई है, उनमें से जो दो मरहूमीन हैं उनका काम ही था लोगों को इल्म बांटना, तो अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके साथ जो नेकी करने का हुक्म दिया गया है वालिदैन के साथ, तो जहाँ पर जो मानवीय एतबार से भी हमारे वालिद हैं, मसलन अगर हमारा कोई उस्ताद है तो फिर हम सब के लिए हुक्म है कि उनके साथ नेकी करें। जो उसकी औलाद है वो अपनी जगह, लेकिन जो मानवीय एतबार से उसके फर्जंद हैं उनका भी फरीज़ा है कि उनके हक़ में नेकी करें। और इसीलिए अगर हम असातिज़ा के साथ नेकी करते हैं तो हमारे इल्म में इजाफा होता है, और अगर उनके साथ सही तरीके से इंसान नहीं रहता है तो फिर उसकी जहालत में इजाफा होता है। सलावत पढ़ने पर मुहम्मद वाले ये नेकी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें जन्नत ही दिला देगी। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं दौरे हाजिर में, ख़ास करके समाज में, जब हम जिस फेल को अंजाम देते हैं उसका असर हमारे पास पड़ोस वालों पर, घर वालों पे बहुत पड़ता है। अगर आपने अपने वालिदैन के साथ नेकी की तो इसकी जजा यह है कि खुदा वंदे आलम आपको भी साले फर्जंद अता करेगा जो आपके साथ नेकी करेगा। लेकिन अगर आपने अपने वालिदैन के साथ नेकी नहीं की तो फिर आपकी जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें भी जो फर्जंद आएंगे वो आपके साथ नेकी नहीं करेंगे। ये तो एक असर है आपके खिदमत एहसान न करने का। और दूसरा असर ये होता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर हम घर में अपने वालिदैन के साथ नेकी नहीं कर रहे हैं तो जो हमारे बच्चे हैं वो यही सब देखते हैं। बहुत से वाकयात हैं, एक वाकया मिलता है कि वो वालिदैन के साथ में बैठ के घर में शौहर और बीवी खाना खाया करते थे और फिर उन्होंने देखा कि वो ज़यीफ़ हो गए हैं, बर्तन वगैरह टूट जाते हैं, तो उन्होंने उनको अलग दे दिया खाना, लकड़ी के बर्तन बना के, ऐसा बर्तन कि जो टूटे ना, और उनको उनके खाने की मेज़ भी अलग कर दी, उनको अलग खाना देने लगे कि ये खाएंगे तो इनके हाथ में चूँकि राशा है
लिहाजा वो कुछ खाना गिरेगा और इस तरह से जो है वहाँ पे गंदगी होगी, लिहाजा इनको अलग खाना दिया जाए। और वही बाप ने देखा कि उनका लड़का जो है वो एक बाप से कहता है कि मुझे लकड़ी ला दीजिए। कहा क्यों? कहा मैं उससे बर्तन बनाऊंगा। कहा क्या करोगे बर्तन बना के? कहा बर्तन बनाएंगे और जब हम बड़े हो जाएंगे और आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको उसी में खाना देंगे। जिस तरह से आज वो खाना, उन्हें एहसास हुआ कि हम कितना कितना गलत काम कर रहे हैं और कितना उसका असर होता है बच्चों पर। वो बच्चा देख रहा है कि किस तरह से घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें साइड में इस तरह से खाना दिया जा रहा है। तो एक असर ये भी होता है, मानवीय भी और दुनियावी एतबार से भी जो देखते हैं बच्चे। अगर हम नेकी करेंगे वालिदैन के साथ तो इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं वो भी नेक होंगे, और अगर हम नेकी नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी जो नस्ल है वो भी हमारे साथ नेकी नहीं करेगी। सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और जो बहुत नेकी करने का फायदा होता है वो ये है कि हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। बहुत से वाकयात हैं, तफसील में नहीं जाना है। बहुत से मकामात ऐसे हैं कि बहुत ही गुनहगार शख्स आया, कहा हमने बहुत गुनाह किए हैं और उम्मीद नहीं है बख्शिशों की। कहा जाओ तुम्हारे वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उनसे जाके कहो तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करें। माँ है तो उसके पास जाओ, माँ नहीं है तो बाप के पास जाओ, और अगर वो नहीं है तो उनकी कब्रों पे जाके। या एक रवायत मिलती है कि उन्होंने कहा माँ नहीं है तो तुम उनकी बहन खाला हैं तुम्हारी, उनके पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करें मगफिरत की। यानी अगर हम नेकी करते हैं और वो हमारे लिए गुनाहों की मगफिरत की दुआ करते हैं तो उनकी दुआएँ सबसे पहले कबूल होती हैं। और ये सिलसिला इस दुनिया तक महदूद नहीं है। अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो जिस तरह से हम उनके साथ नेकी का सिलसिला जारी रख सकते हैं उसी तरह से उनकी दुआएं भी हमें मिलती रहेंगी। लिहाजा हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम किस तरह से अपने वालिदैन के साथ नेकी कर रहे हैं और किस तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं। समाज में बहुत से ऐसे मनाजिर दौर हाजिर में दिखाई देते हैं कि हाँ जहाँ जरा से वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाते हैं, आजकल के जो बड़े शहरों में अक्सर होता है या आप अपने मुल्क में, बहरहाल कल्चर है अभी लोग वालिदैन के साथ रहते हैं, वरना आप चले जाइए यूरोपीय जो ममालिक हैं तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जहां वालिदैन ज़ईफ़ हुए उन्हें जाके उन जो मखसूस जगहें होती हैं छोड़ आया जाता है, वहां पे वो रहते हैं, वहीं पे उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। यानी अपने साथ रखना भी दौरे हाजिर में बहुत सी जगह फर्जंद गवारा नहीं करते कि उन्हें अपने साथ रखा जाए। लेकिन आप कुरान में देखिएगा तो इसमें जो आयत है, इसमें इसी आयत का जो सिलसिला आगे उसमें ये कहा जाता है कि वो जब तुम्हारे नज़दीक ज़ईफ़ भी हो जाएं, यानी अगर उन्हें ज़ईफ़ भी हो जाएं तुम्हारे नज़दीक यानी तुम्हारे साथ। हमेशा हमें वालिदैन को साथ रखना है, ये नहीं कि अगर वो ज़ईफ़ हो गए और अगर हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत पड़ेगी उनको साथ रखने में तो हमने उठा के उनको ले जाके उन मखसूस जगहों पर रख दिया जहाँ ऐसे लोगों की निगहदाश्त की जाती है। हमें उनके साथ नेकी करना है, हमें इस तरह से उनके हुकूक़ को अदा करना है कि जिस तरह से खुदावंद आलम ने हमें हुक्म दिया है, जिस तरह से हमें अहले बैत की सीरत में नज़र आता है, जिस तरह से मुतअद्दिद रवायतें मौजूद हैं कि किस तरह से हमें नेकी करना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि तौहीद के साथ इसका जिक्र है, शिर्क न करने का हुक्म दिया जा रहा है और उसके साथ वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये जो एहसान है इसमें दूसरी इबादतों की तरह कोई लिमिट नहीं है। जैसे बहुत सी इबादतें होती हैं, ये मजलिसी है, इबादत है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। आदमी घड़ी देखने लगता है जब वक्त ज़्यादा होने लगता है। दूसरी इबादतों में ये इबादत है भाई, आपको मजलिस पढ़ना है 30-35-40 मिनट, एक घंटा, आपको रोज़ा रखना है, आप कब से रखेंगे? सुबह से शुरू करेंगे, शाम में वक्त आ गया ख़त्म, अब आपको रोज़ा नहीं रखना। आप ये नहीं कहेंगे कि रात में हम रोज़ा हैं। आपको हज करना है तो हज का एक मखसूस ज़माना है, वक्त है, उसमें जाएंगे आप हज करेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते। आपको जिहाद करना है तो जिहाद आप उस वक्त करेंगे
जब जिहाद की ज़रूरत होगी, ज़रूरत ख़त्म हो गई, जिहाद भी ख़त्म हो गया, अब आपको जिहाद नहीं करना है। अगर आपको किसी को खाना खिलाना है, किसी को शिकम सेर करना है, तो आप उसे उस वक्त तक खाना खिलाएंगे जब तक उसका पेट भर ना जाए। अब उसके बाद आप उसे खाना नहीं खिलाएंगे, यानी अब ये जो इबादत है इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई। लेकिन वालिदैन के साथ जो एहसान है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई मुद्दत नहीं कि एक घंटा एहसान करना है, दो घंटा एहसान करना है, बचपने में एहसान करना है, बुढ़ापे में एहसान करना है, नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको इस दुनिया में शुरू से लेकर आखिर तक एहसान करना है, और जब वो इस दुनिया से चले जाएं तब भी सांसों का सिलसिला तो टूट जाएगा लेकिन एहसान का सिलसिला नहीं टूटेगा। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले हमारे, और जहां वालिदैन के लिए हुक्म दिया गया है तो उसमें यह नहीं कहा गया है कि तुम्हारे वालिदैन कौन हों और कैसे हों और क्या हों, कोई शरायत नहीं है, कोई कानून नहीं है मखसूस कि अगर वालिदैन ऐसे थे तो नेकी करना है वरना नहीं करना है, अगर मोमिन थे तो नेकी करना है नहीं करना वरना नहीं करना है, अगर मुसलमान थे तो नेकी करना है नहीं। वालिदैन के साथ आपको नेकी करना है, हर हाल में नेकी करना है, चाहे आपके वालिदैन मोमिन हों या ना हों, मुसलमान हों या ना हों, कोई भी हो, लेकिन आपको उनके साथ नेकी करना है, क्योंकि यहाँ वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ रिश्ते को देखा जा रहा है, यहाँ मजहब व मसलक नहीं देखा जा रहा है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, लिहाजा इसका दायरा बहुत ज़्यादा वसी है, हमारी कोशिश ये होना चाहिए। और हम अक्सर लोग बहुत से वजूहात रहते हैं, उस तरह से हम लोग हक़ अदा नहीं कर पाते हैं, उस तरह से हम लोग वालिदैन के हक़ में नेकी नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हुक्म दिया गया है, उस तरह से हम लोग सवाब नहीं कमा पाते हैं जिस तरह से शरीयत ने हमें बताया है कि हमें वालिदैन के साथ नेकी करना चाहिए, हमें वालिदैन के साथ एहसान करना चाहिए, हमें इस एहसान के सिलसिले को टूटने नहीं देना चाहिए। यकीनन बहुत से ज़रिए हैं जिसके ज़रिए हम वालिदैन के साथ नेकी कर सकते हैं जबकि वो दुनिया में हमारे सामने मौजूद भी ना हो, और उन्हीं ज़रियों और सिलसिलों में ये एक सिलसिला है मजालिस का। ये जो हम मजलिसें करते हैं इसका मकसद यही है, ये हम मजलिस भी कर रहे हैं, इमाम हुसैन का ज़िक्र भी हो रहा है, और उसके साथ साथ जो वालिदैन के साथ नेकी का सिलसिला है वो भी कायम है। तो जहाँ हम अहले बैत का तज़किरा करते हैं और इस ज़िक्र से जो सवाब मिलता है, इस सवाब को में हम वालिदैन को शरीक करते हैं, तो वो जो एहसान का सिलसिला है वो कायम रहता है। तो लिहाजा ये भी एक ज़रिया है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल का तज़किरा किया जाए और अहले बैत के मसाइब का तज़किरा किया जाए, क्योंकि हम अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब का तज़किरा करके न सिर्फ ये कि अपने लिए हमारे लिए तशफ़ी का बायस है बल्कि जो सवाब का एक सिलसिला है वो भी कायम रहता है। अय्याम अज़ा करीब हैं और शायद दुनिया में जो इस बार का मुहर्रम है वो अपनी नौइयत का बहुत ही मुनफरिद और अलग मुहर्रम होगा। वो और बात है कि हर दिल अज़ा खाना है, हर घर अज़ा खाना है, इमाम हुसैन की आज़ादारी तो होगी और हर हाल में होगी। एक आज़ादार अगर कहीं तन्हाई में भी हो तब भी उसे कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने से नहीं रोक सकता है, उसे कोई करबला वालों पे गिरिया करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिसमें हम उस तरह से आज़ादारी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से साल है गुज़श्ता में हम आज़ादारी करते आए। और जब मुहर्रम करीब होता है तो मुहर्रम से पहले जो एक तरह से करबला की तहरीक का बायस जो बना है वो कूफियों का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम ख़त लिखना है और आपका जनाब मुस्लिम को भेजना है,
امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفے میں بھیجا تھا. جناب مسلم کی شہادت کے دن ہیں. آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بھیجا ہے جناب مسلم کو تو اس وقت ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کی تھی, لیکن پھر اس کے بعد حالات جب بدلتے ہیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ نے دار الامارہ کو گھیرا تھا جناب مسلم نے اور دوسرے تمام شیعوں نے, تو اس وقت کئی ہزار لوگ آپ کے ساتھ تھے, جبکہ یہ پہلے سے پلاننگ نہیں تھی, کیونکہ جناب ہانی کو لے جا کے قید کیا گیا تھا اور انہیں اذیت دی جا رہی تھی, اس لیے آپ نے تمام لوگ جمع ہوئے تھے اور گھیر لیا تھا جا کے. لیکن پھر اس کے بعد طرح طرح کے ہیلوں سے لوگوں کو بہکایا گیا, کچھ لوگوں نے آ کے جھوٹے بیان دیے جس میں قاضی شریح تھے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دھیرے دھیرے جناب مسلم کے پاس سے ہٹتے گئے. وہ جناب مسلم جو ہزاروں نے جن کی بیعت کی تھی, وہ جناب مسلم جنہوں نے جب دار الامارہ کو گھیرا تھا تو ان کے ساتھ ہزاروں شیعہ تھے, لیکن ایک وقت جب رات کا وقت آتا ہے تو ایک وقت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ کم ہوتے ہیں, کچھ سو لوگ رہ جاتے ہیں, پھر صرف دس لوگ تھے, اور آخر میں جب رات کی تاریکی نمودار ہوتی تو جناب مسلم اکیلے ہیں. جناب مسلم یکو تنہا ہیں, جس طرح سے ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے دور تھے, اسی طرح سے جناب مسلم بھی عالم غربت میں تھے. جب کسی کا کوئی ساتھی نہ رہ جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. جناب مسلم یکو تنہا ہیں, آپ نے پناہ بھی لی ہے, ایک مومنہ توا نام تھا ان کے گھر میں, آخر میں انہوں نے بلایا ہے اور آپ گئے ہیں, لیکن ان کے لڑکے کے ذریعے جب خبر ہوتی ہے تو 300 کا لشکر بھیجا جاتا ہے, اور وہ 300 کا لشکر ناکافی ہوتا ہے, اور زیادہ لشکر کی درخواست کی جاتی ہے, اور وہاں سے کہا جاتا ہے کہ تم کو ایک انسان کو گرفتار کرنے میں, ایک انسان سے مقابلہ کرنے میں تمہیں اتنے زیادہ لشکر کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن عزیزوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ بہانے سے دھوکے سے جناب مسلم کو ایک گڈھے میں گرایا جاتا ہے, انہیں اسیر کر لیا جاتا ہے. گرفتار کر کے جناب مسلم کو جب لے جایا گیا ہے تو آپ کا یہ عالم ہے, آپ اتنا زیادہ زخمی تھے کہ آپ کے دہن مبارک سے خون جاری تھا, آپ کے سامنے پانی لا کے رکھا گیا, لیکن اس پانی میں خون مل گیا, آپ پانی نہ پی سکے. جناب مسلم کو اسی طرح پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا. شاید اس لیے بھی آپ پیاسے شہید ہوئے کہ اس لیے کہ آپ اس حسین کے سفیر تھے جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جانا تھا. آپ کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ دار الامارہ پہ لے جا کے آپ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے, جنازے کو لٹکا دیا جاتا ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جنازے کو دار الامارہ سے پھینک دیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام ابھی راستے میں تھے, آپ کو خبر ملتی ہے کہ کوفے میں میرے مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. ایک بار آپ نے یتیم مسلم کو اپنے قریب بلایا, آپ محبت کا سلوک کرنے لگے, آپ نے دست شفقت پھیرنا شروع کر دیا. جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں, مولا اگر آپ کو سلوک کرنا ہے محبت کا تو ضرور کیجئے, آپ کو دست شفقت پھیرنا ہے تو ضرور پھیریے, لیکن ذرا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سکینہ یہ منظر نہ دیکھنے پائے, ورنہ یہ بچی یہی سمجھے گی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس محبت کا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن ہائے رے کربلا, ارے آپ کی شہادت کے بعد ہاتھ تو آگے بڑھیں گے لیکن دست شفقت کے نہیں, بلکہ تازیانے لگانے کے لیے, تماچے لگانے کے لیے, گوشوارے چھیننے کے لیے. معصوم سی بچی ہے, کبھی فرات کا رخ کرے گی اے چچا میرے مدد کو آئیے, کبھی نشیب کا رخ کرے گی بابا میری مدد کو آئیے. واہ حسینا واہ سکینا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار الہ جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی لوگ اس مہلک وبا سے دوچار ہیں, بار الہ پوری دنیا میں اس وبائی مرض سے لاکھوں لوگ اس وقت گرفتار ہیں, بار الہ
محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اس وبا سے نجات دلا۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا ابرار حسین مرحوم، مولانا محمد احمد مرحوم، امام باندی مرحومہ اور جعفری بیگم مرحومہ کی روح کو ارسال فرما دیں۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔